आज ही के दिन 1638 में शाहजहां के आदेश पर मुहर्रम के पवित्र महीने में दिल्ली के लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लाल बलुआ पत्थर से 10 वर्षों में इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यूनेस्को ने 2007 में लाल किले को विश्व धरोहर घोषित किया। इस खूबसूरत विशाल किले में उस समय 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ साथ एक विज्ञानी हिंदू विचारक भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। 1967 में आज एक दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद थे। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना में खास योगदान दिया और उसके उप कुलपति भी रहे। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर वो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने। आज एक दिन सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गईं। लारा दत्ता को हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है। लारा की पहली फिल्म अंदाज थी, जिसके बाद मस्ती, नो एंट्री, काल, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने काम किया। 2011 में लारा ने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से शादी की। और आज एक दिन 2001 में भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक आर के नारायण का निधन हुआ था। आर के नारायण अपनी पीढ़ी के अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक थे। नारायण का उपन्यास मालगुडी डेज पर दूरदर्शन ने धारावाहिक बनाया, जिसे दर्शक आज तक नहीं भूले हैं। उपन्यास गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।